नमस्कार, निराला संगीत सदन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का सेकेंड ईयर वोकल मतलब गायन का हम लोग इसमें सिलेबस देखेंगे। इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस देखेंगे, उसके बाद पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे कि पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बुक्स भी देखेंगे कि हम कौन सा ले सकते हैं जिससे हमारी तैयारी हो सके। इससे पहले हम लोग सिलेबस से जुड़ा हुआ दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम गायन और तबला दोनों का फर्स्ट ईयर का सिलेबस कवर कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का वोकल और तबला दोनों का सिलेबस ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग सिलेबस इस वीडियो में जो देख रहे हैं वो, और ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते क्यों हैं, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्यों डाला गया है कि हम तो इसमें डाले हैं टाइटल की सिलेबस सेकेंड ईयर का, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्यों डाला है। आप समझ लें, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, IIT हो, कुछ भी हो, उसमें दो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में देखना होता है। पहला सिलेबस, जिससे हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे हमें पता चलता है हमें कितना डेप्थ में पढ़ना है या किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और फिर उन दोनों को मिला के जो कुछ भी हमें समझ में आता है, फिर हम बुक्स की मदद से, अपने शिक्षकों की मदद से, वहाँ से हम उसकी तैयारी करते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे हमने शुरुआत में भी जो वीडियोस डाले हैं उसमें सिलेबस भी डाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं, और किस बुक से हम तैयारी कर सकते हैं वो भी डाला है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिलेबस में थ्योरी का पार्ट। आपको ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जैसे फर्स्ट ईयर है हमारा, तो फर्स्ट ईयर को हम संगीत भूषण पार्ट वन कहते हैं। संगीत भूषण पार्ट वन, ठीक है। तो इसी तरह से, चूंकि ये अभी हम सेकेंड ईयर देख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संगीत भूषण पार्ट टू सेकेंड ईयर, क्लियर है। इसमें अगर हम थ्योरी की बात करें तो इसमें हम जान रहे हैं कि 50 मार्क्स का हमारा थ्योरी होगा, 50 अंकों का होगा, और हमारे पास जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा, ठीक है, थ्योरी के पेपर में। और प्रैक्टिकल कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ये हमारा प्रैक्टिकल होगा 100 मार्क्स का। थ्योरी में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले है निम्नलिखित शब्दों का परिभाषिक ज्ञान। आपको अगर फर्स्ट ईयर का सिलेबस ध्यान हो उसमें भी इसी तरह से कुछ परिभाषिक शब्द थे जो कि हमें पूछे जाते हैं, इसमें भी वही है। मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ ताकि जब आप इसे लिखेंगे तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, और आप कोशिश करेंगे कि जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय जहाँ भी आप लिखते हों, डायरी में या आपका कॉपी हो, उसमें आप पूरी सिलेबस को वीडियो रोक रोक के आप लिख लें एक साथ, ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, एक ही बार में आप पूरा जितना भी आपका काम का रहे वो सब लिख लें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएँ हमें देखनी है। नाद तथा नाद की विशेषताएं, नाद की परिभाषा हमें फर्स्ट ईयर में भी है, इसमें थोड़ा हमें डेप्थ में जाना है। फिर है श्रुति, थाटों के प्रकार, वर्ण, स्थाई, आरोही, अवरोही व संचारी, वादी संवादी, अनुवादी विवादी, पूर्वांग उत्तरांग, ग्रह अंश न्यास, राग आलाप, गमक तान, मींड वक्र स्वर, आश्रय राग, घसीट जनक थाट और जन्य राग। इससे आप समझ सकते हैं कि इससे आपको किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एक प्रश्न, चूंकि आपका एक प्रश्न 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है, तो इसमें आपको क्या कर सकता है कि 5 परिभाषाएं
किसी 5 शब्द के आपको पूछ सकते हैं, 2-2 अंक का करके। उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे किस तरह से, आगे क्वेश्चन में भी आपको दिख जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है, निम्नलिखित के पारस्परिक विभेदों का अध्ययन, दोनों में क्या अंतर है ये हमें समझना है। क्या है पहला, राग और थाट के बीच में, श्रुति, स्वर, तान और आलाप, और नाद एवं श्रुति। ये हो गया। इसके आगे क्या है, विष्णु दिगंबर तथा भातखंडे स्वर लिपि पद्धति का ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, गीतों के प्रकार, ध्रुपद, ख्याल, तराना, सरगम गीत और लक्षण गीत। तो ये आपको पूरा यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हमारा थ्योरी का पार्ट है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, इस वर्ष के लिए निर्धारित राग समूहों का पूर्ण परिचय। तो ये हम प्रैक्टिकल वाला जो हमारा सिलेबस का पार्ट आएगा उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें इस साल कौन कौन से राग हमें सीखने हैं। उसमें से हम वहीं पे देख लेंगे कि उसका हमें क्या करना होगा, परिचय भी थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि उस राग का वादी क्या है, संवादी क्या है, गायन का समय कौन सा है, ये सब भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे क्या है, दिए गए स्वर समूहों को देखकर रागों को पहचानना एवं सम प्रकृति रागों के मध्य समानता एवं विभिन्नता का ज्ञान। इससे बहुत अच्छा प्रश्न भी बनता है कि आपको कुछ स्वर समूह दे दिए जाएंगे, मान लीजिए किसी 2 राग का पकड़ दे दिया गया और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा ये कौन सा राग है, या 2 रागों का दे दिया गया तो उसमें क्या भिन्नताएं हैं वो बताएं। इस तरह के प्रश्न अक्सर थ्योरी में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, आधुनिक मतानुसार 22 श्रुतियों को 7 स्वरों में विभाजित करने की विधि एवं नियम। आगे है, भातखंडे पद्धति में तान, आलाप सहित ख्याल, ध्रुपद गायन परीक्षार्थियों के लिए विभिन्न लयकारियाँ, आलाप आदि, तथा पाठ्यक्रम में निर्धारित विभिन्न गीत प्रकारों को स्वरलिपि में लिखने का अभ्यास। ठीक है, इससे आगे अगर हम देखें तो इस वर्ष के लिए निर्धारित ताल समूह, मतलब जो भी ताल हमें दिया होगा उसे स्थाई, जो ठा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, स्थाई, दुगुन तथा चौगुन में सम, ताली, खाली दिखाने तथा लिपिबद्ध करने का अभ्यास। मतलब जो भी ताली हो, जो भी ताल हमें इस सेकेंड ईयर में करना है उसे हमें स्थाई, दोगुन और चौगुन में भी लिखने का भी हमें अभ्यास होना चाहिए, और प्रैक्टिकल में हमें उसे बोलने का भी अभ्यास होना चाहिए। आपको बता दूं कि इससे पहले 3 ताल कहरवा और दादरा, इस 3 ताल का वीडियो प्रैक्टिकल टिप्स के नाम से अपलोड किया हुआ है, जिसमें कि स्थाई, दोगुन, चौगुन कैसे आप प्रैक्टिकल में बोलेंगे वो समझाया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप उसे देख सकते हैं। इससे आगे थ्योरी के पार्ट में सबसे अंत में है कि कुछ संगीतज्ञों का हमें जीवनी तथा संगीत के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है वो देखना है, मियाँ तानसेन, पंडित भातखंडे और अमीर खुसरो। तो यहाँ तक हमारा थ्योरी का पार्ट है, इतना हमें थ्योरी देखना है। अब अगर प्रैक्टिकल देखें हम, तो प्रैक्टिकल हमारा चूँकि 100 मार्क्स का है, थ्योरी हमारा था 50 मार्क्स का और प्रैक्टिकल हमारा 100 मार्क्स का है। तो देखिए प्रैक्टिकल में क्या क्या है, शुद्ध तथा विकृत स्वरों में कठिन अलंकार गाने का अभ्यास। तो जो जो राग हमें इस बार दिया होगा उसमें कुछ ना कुछ राग जरूर होंगे जिसमें कि विकृत स्वर लग रहे होंगे, और शुद्ध स्वर का अलंकार हम लोग फर्स्ट ईयर में तैयार करते ही हैं। तो इस ईयर में हम उन्हीं अलंकारों को किसी विशेष राग के अनुसार, उसमें जिसमें विकृत स्वर लग रहा हो उसमें भी तैयार करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राग समूहों में आलाप सहित छोटा ख्याल ध्रुपद गायन के परीक्षार्थियों के लिए थाह, दोगुन तथा चौगुन लयकारियों के साथ ध्रुपद गाना जानना आवश्यक है। अब देख लेते हैं कि हमें सेकेंड ईयर में कौन कौन से राग हैं। तो देखिए निर्धारित राग, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमें कुछ राग दिए हुए हैं, जैसे भैरवी, काफी, देश, वृंदावनी सारंग, दुर्गा,
बागेश्वरी, भीमपलासी, पटदीप तथा हमीर। तो ये कुल हमारे पास सेकेंड ईयर में जो टोटल राग हमें दिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इतने हैं। तो इस सब में हमें एक छोटा ख्याल, कुछ तान उसमें हो, इसमें से कुछ के वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर जैसे दुर्गा का आई थिंक की वीडियो डला हुआ है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में से किसी दो रागों में एक ताल में बड़ा ख्याल तथा ध्रुपद के परीक्षार्थी के लिए ध्रुपद चार ताल या सूल ताल में निबद्ध होना चाहिए। आगे देखिए, प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के लिए निर्धारित रागों में से किसी भी एक राग में एक ध्रुपद, विलंबित तथा दुगुण लयकारी सहित गाने की क्षमता। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर का भी राग ध्यान में रखना होगा, इसीलिए आपको जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको जरूर फर्स्ट ईयर का भी वो वीडियो देखना चाहिए कि उसमें कौन कौन से राग हैं, क्या क्या उसमें बताया गया है। पर आपको वो तो तैयार रखना ही है, सेकेंड ईयर में भी तैयार रखना है। तो सेकेंड ईयर में हमेशा लास्ट में लिखा होता है सिलेबस में कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, तो वो उसमें रहता ही रहता है। आगे अगर बढ़ें तो आलाप सुनकर राग पहचानना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी आते हैं और प्रैक्टिकल में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ें तो निम्नलिखित ताल समूहों के ठेके बोल सहित दुगुण तथा चौगुण लय में हाथ पर ताली खाली दिखाने का अभ्यास। इससे रिलेटेड मैं बोल चुका हूँ आपको कि वीडियोस कुछ दिए जा चुके हैं, कुछ आपको बहुत जल्द दिए जाएंगे। देख लीजिए, सेकेंड ईयर में हमारे पास कौन कौन से ताल हैं, त्रिताल, एक ताल, चार ताल, तिवरा, सूल ताल और झप ताल। तो ये सारे ताल थे हमारे जो कि सेकेंड ईयर में हैं। आगे देखिए, तानपुरा अथवा हारमोनियम पर राग के उपयोगी स्वर दबाकर गाने का अभ्यास। तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल का हो गया। अब यहाँ पे हमारा पूरा जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो जाता है। अब जब आप ये सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं, एक तरह से समझ लेते हैं, तो आपको दूसरा चीज़ जो देखना होता है वो कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जो हमने फर्स्ट ईयर का वीडियो डाला था वो जनवरी में हमने डाला था, तो उस समय क्या था कि इस साल का जो थ्योरी का पेपर है वो नहीं हुआ था। 2021 में जो थ्योरी हुआ है वो फरवरी के मंथ में हुआ है, तो इसीलिए उस वीडियो में सिर्फ सत्र 2019-20 का ही हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किया है। बट चूंकि अब हमारा 2021 का भी हो चुका है थ्योरी का एग्ज़ाम, तो हमने इस वाले वीडियो में दोनों साल के प्रश्न इंक्लूड किए हैं ताकि आप दोनों साल का प्रश्न देख सकें। और चूंकि हर साल 8 प्रश्न दिए जाते हैं, आप देखें 2019-20 वाले सत्र में भी 8 प्रश्न हैं, और आप अगर ये देखें यहाँ पे 20-21 सत्र में, तो यहाँ पे भी 8 प्रश्न आपको मिलेंगे। इस तरह से अगर आप देखें तो 16 प्रश्न आपको एक साथ इसी वीडियो में दिख जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो अगर इन 16 प्रश्नों को भी आप तैयार कर लें सिर्फ, तो अगला जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें बहुत हद तक उम्मीद है कि आपके 5 प्रश्न आसानी से इसी में से तैयार किए हुए प्रश्नों में से बन जाएंगे, आपको उससे ज़्यादा तैयार करने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। तो मैं आशा करूँगा कि आप इतना तो ज़रूर तैयार करें कि पिछले 2 साल का प्रश्न आपका तैयार हो, और बाकी आपके पास सिलेबस है ही, पूरा तैयार हो जाए तो और अच्छा है। कुछ विशेष चीज़ें मैं इसमें बतला देता हूँ, सारी चीज़ों पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखेंगे आप तो जो समय है हमारा वो 3 घंटे हैं, और जो हमारा कुल अंक है वो 50 अंक का है। अक्सर इसमें बच्चे क्या करते हैं कि 8 प्रश्न हैं तो 8ों का उत्तर लिख देते हैं। यहाँ आप ऊपर में ही पढ़ेंगे तो दिया गया है कि हमें सिर्फ 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, केवल 5। तो और वो 5 आप खुद चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी प्रश्न पे ज़्यादा अंक मिलेंगे किसी पे कम, सब 10-10 मार्क्स का है। डिपेंड करता है कि आप किसे कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर इस सारे स्लाइड्स पे मैं रुक जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे
हमसे मांग सकते हैं, इसका PDF दे दीजिए तो आपको मैं इसका PDF उपलब्ध करवा दूंगा। वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। मैं WhatsApp नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, 9135707273। अगर आपको इस वीडियो में जो PDF इंक्लूडेड है वो पूरा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो प्रश्न आपके लिए पढ़ देता हूँ। जैसे लेखन पद्धति से आप क्या समझते हैं, संगीत में कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं उसका वर्णन करें। इसी तरह से जो परिभाषिक शब्द में था हमारा, वर्ण किसे कहते हैं उसकी विशेषता बतलाएं। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में ना हो, बट वो चूँकि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में होगा इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये तो सिलेबस में था नहीं फिर भी पूछ लिया। वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में होगा, PP2 में हो सकता है, तो आपको सारा मिला के पढ़ना है, एक साथ आप बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, गीत प्रकार के अंतर्गत ध्रुपद, ख्याल और तराना की व्याख्या करें। चौथा है, निम्न रागों के स्वर पहचान कर किसी एक राग का संपूर्ण परिचय तथा उसमें छोटा ख्याल या ध्रुपद लिपिबद्ध करें। ये प्रश्न सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन ये प्रश्न का जवाब वही लोग दे पाएंगे जो प्रैक्टिकल तैयार किए होंगे, वही आप स्वर पहचान पाएंगे कि कौन किस राग का स्वर है। उसमें आपको छोटा सा एक पैराग्राफ का, उसमें आपको क्या करना होगा कि थोड़ा परिचय भी लिखना होगा और उसमें इस तीन में से किसी एक का आपको छोटा ख्याल भी लिखना होगा। आगे अगर हम देखें प्रश्नों को, तो सरगम गीत एवं लेखन गीत में अंतर बताकर उदाहरण सहित लिखें। तो ये सब आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है बुक राग परिचय भाग एक, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। राग परिचय भाग एक, आपको ध्यान हो तो हमने फर्स्ट ईयर में भी यही बुक बोला था, यही बुक आपको सेकंड ईयर में भी काम आ जाएगा, अधिकतर चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। और देखिए एक प्रश्न जो कि इस पेपर को बहुत आसान बना देता है, निम्नलिखित प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर दें। अब पाँच प्रश्न है, पाँच पार्ट है इस प्रश्न का, मतलब एक प्रश्न 2 मार्क्स का हुआ, इसमें सिर्फ आपको हाँ और ना में उत्तर देना है। और अगर आप चाहें तो उसका, अगर वो ना उत्तर है तो उसका क्या सही उत्तर होगा वो भी आप लिख दें तो और अच्छा, तो इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। अगला देखें, निम्न में से किसी एक को लिपिबद्ध करें, किसी भी एक राग में ध्रुपद या छोटा ख्याल, दोनों पार्ट में से किसी एक ही पार्ट को बनाना है। और सबसे अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न अवश्य ताल से भी रहता है, तबला से जुड़ा हुआ, चाहे आप गायन के हों या तबला के, 3 ताल के एक आवर्तन में झपताल, 4 ताल और सूल ताल को लिपिबद्ध करें तथा उसकी लयकारी बताएं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सत्र 2019-20 का प्रश्न। अब चूंकि इस बार एग्ज़ाम हो चुका है, अभी तक हमारे पास इस सत्र का भी प्रश्न है, आपके पास दोनों सत्र का प्रश्न पत्र उपलब्ध है, इसमें भी समय आपको 3 घंटे ही मिल रहे हैं और 50 अंक का ही पेपर है। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पढ़ नहीं रहा हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप पूरा लिख लेंगे। इसमें मैं यहाँ पे भी 5 सेकेंड रुक चुका हूँ और ये आपका हो गया कुल 8 प्रश्न, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे कोशिश करेंगे कि तबला में ताल से जुड़ी जो प्रैक्टिकल में हमें मदद करे ऐसे वीडियोज़। और चूँकि रिक्वेस्ट आया है कि फर्स्ट ईयर से 7th ईयर तक का सिलेबस आपको दे दिया जाए, तो कोशिश रहेगा इसके बाद 2nd ईयर तबला का सिलेबस, फिर धीरे धीरे करके हम लोग 7th ईयर तक सारी सिलेबस आपको एक एक करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको आगे संगीत सीखने में आसानी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, शेष शुभ, अपना ख्याल रखें।